हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। और दरअसल दोस्तों, हमारे जो है दो चैनल हैं। आज मैं आपको दूसरे चैनल के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सिलेबस जो है डिवाइड कर लेंगे कि अगर आप दूसरे चैनल के ऊपर जाएंगे मेरे, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक ट्रेडिंग की ही चीज़ें, जैसे स्टॉक मार्केट की चीज़ें। उसके अंदर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं बताई हुई हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएं और दूसरे चैनल पर जाकर एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चैनल। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके ऊपर अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, बट आप अगर वीडियोस देखेंगे तो वीडियोस यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ एक वीडियोस बहुत अच्छी मैंने शेयर मार्केट के बारे में बनाई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 44 मूविंग एवरेज को आज हम यूज़ करके और अच्छा खासा एक मनी जनरेट करेंगे। जो 44 मूविंग एवरेज को यूज़ करके आज हम मनी जनरेट करने वाले हैं, तो वो ये 44 मूविंग एवरेज MA होती क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आ जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और जैसे ही आप आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मूविंग, ये दोस्तों आपको मिल चुका है यहाँ पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज मिल जाएगा। और सेटिंग पर जाकर इसकी लेंथ को जो है 44 कर लेंगे। यहाँ पर 44 मेरा पहले से ही ऑलरेडी था, तो मैं इसको ओके कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली जो है सेटअप हो जाएगा। और टाइम फ्रेम जो आपने रखना है दोस्तों, टाइम फ्रेम का ध्यान रखिए। जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा डेली का, और इंडिकेटर रहेगा मूविंग एवरेज MA, सेटिंग रहेगी 44। और सबसे पहले इसके बाइंग का तरीका मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक कैंडल बनी, ठीक है दोस्तों, एक ग्रीन कलर की जो है यहाँ पर कैंडल बनी, और उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद ये मूविंग एवरेज जो है ये ऐसे आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी और इसने इसके ऊपर सपोर्ट लिया यहाँ पर, जैसे ये अभी ऊपर जाने वाली है और यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो आप सभी ने यहाँ पर बाय कर लेना है इसको। यहाँ पर बाय और यहाँ पर इस कैंडल का लो SL, या इससे पिछली कैंडल का भी आप लो ले सकते हैं, इस कैंडल का यहाँ पर पिछली का SL, तो बाय करेंगे। और उसके बाद इस राइड को जो है मूव करते हुए जाएंगे कि ये ऊपर अगले दिन इतना खुलेगी, ठीक है दोस्तों, फिर अगले दिन इतना खुलेगी। और वो जहाँ पर आपने मान लीजिए 100 पर बाय किया था, और सॉरी, जहाँ पर आपने 100 रुपये पर बाय किया था, वो यहाँ से 200 चला गया और आपका जो 100 रुपये से बाय किया हुआ और 90 रुपये पर रेसल था 10 रुपये का, और ये आपको पूरे 100 रुपीज़ जो है देकर चला गया प्रॉफिट के। तो चलिए अब आपको प्रैक्टिकल देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और आज ये इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल पर आपको मिल जाएगी। लिंक जो है मैं सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन से एक राइजिंग फेज़ की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक राइजिंग फेज़ मान सकते हैं, कितना, इतना, यहाँ से यहाँ तक के एक फेज़ को हम राइजिंग फेज़ मान सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से अच्छी एक मोमेंट दी है। और वो इस प्रकार से कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे इसने यहाँ पर आया और उसके बाद एक, तो दोस्तों ये देखिए, एक यहाँ पर ये डॉक्टर रेड्डी का शेयर है, और यहाँ से इसने क्या किया, ये डॉक्टर रेड्डी ने
जस्ट अ मिनट, ये डॉक्टर रेड्डी का शेयर है यहाँ पर, और इस डॉक्टर रेड्डी के शेयर ने ये मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंड में चल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद ये जोन से निकली, और जोन से निकलने के बाद ये वापस आई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका हाई और इसका लो, और ये पीछे का एसएल, और इस चीज़ को हमने दरअसल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी 2645 के आसपास, और सेलिंग की बनी दोस्तों हमारे पास 2800 के आसपास। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसे आप एज अ ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। बट मैं आपको कुछ और एक स्ट्रेटजी देना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो यही स्ट्रेटजी है एक जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद चलिए आप बात कर लेते हैं दूसरे शेयर की। तो मैं आपको एक बेहतरीन शेयर दिखाना चाहता हूँ, वो है रिलायंस का, रिलायंस का नहीं, अडानी पावर, अडानी पावर सपोर्ट। तो ये दोस्तों एक शेयर है अडानी पावर के नाम से, और अगर ये आप इसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, यहाँ पर ये एक स्ट्रेटजी बनी हुई है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक फेस। ये कैंडल को देखिए दोस्तों, ये कैंडल जो यहाँ पर बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इसने आई थिंक पूरा नहीं इसको टच किया, बट 19-20 का यहाँ पर रह गया है, और इसी इस कैंडल का पिछली का लो जो नहीं बना हुआ था, बट यहाँ से इसने इसका लो माना, इस मूविंग एवरेज का लो मानकर इसे राइड किया। राइड करने के बाद ये 117 बाइंग प्राइस से, ये जो किसकी है अपने प्राइस तक, वो किसकी है दोस्तों, ये एकदम इसने हाई लगाया है अपना, 200-300 तक का हाई लगाया है इसने दोस्तों अपना, 117 से 300 तक का ये इसने हाई लगाया है दोस्तों। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए मार्केट के अंदर, और कैसे, अगली वीडियो मैं आपको जीरोधा के बारे में लेकर आऊँगा, आप जीरोधा को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। और मैंने इंडियन साइबर दोस्त चैनल के ऊपर भी अपनी कुछ एक वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ पर जाइए और देखिए, और मनी जनरेट करने के स्किल्स जो है सीखिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं, आप इन दोनों चैनल से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।